सबसे पहले जो फीचर्स है इसका वो है आपका कि जो इसके रिवॉर्ड्स पॉइंट है, मेनली ये रिवॉर्ड पॉइंट के लिए कार्ड बहुत अच्छा है। तो आपको 5 गुना रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं अगर आप इसका इस्तेमाल डाइनिंग के लिए या किसी होटल में खाना खाने के लिए करते हैं, या फिर आप इस कार्ड का इस्तेमाल ट्रेन बुकिंग, टैक्सी बुकिंग और ग्रोसरी परचेज किसी मॉल से या शॉपिंग मॉल से, फिर और मूवी बुकिंग के लिए करते हैं। तो इन सभी केसों में जो आपको इसके रिवॉर्ड्स पॉइंट हैं वो 5 गुना ज़्यादा मिलते हैं अगर इन सब के लिए आप इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद है आपका जो आपका बर्थडे का मंथ है, यानी कि जिस महीने में आपका बर्थडे पड़ता है उस महीने में जो भी आप शॉपिंग करेंगे, जितना भी इस कार्ड से स्पेंड करेंगे, तो उस पर आपको 25 गुना रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पर जो रिवॉर्ड्स पॉइंट है उसकी जो एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.25 रुपीज़, यानी कि 25 पैसे, और हर 150 रुपये के स्पेंड्स पर आपको 1 पॉइंट मिलता है। फिर आपका पेजैप या स्मार्ट बाय ऑप्शन के थ्रू अगर आप इसमें शॉपिंग करते हैं तो उस केस में भी आपको 10 गुना रिवॉर्ड पॉइंट इस कार्ड के द्वारा मिलते हैं। फिर है आपका अगर आप किसी साल में 90,000 या उसके ऊपर की शॉपिंग या स्पेंडिंग कर लेते हैं इस कार्ड के द्वारा, तो उस केस में आपको 1,000 रुपये का एक गिफ्ट वाउचर भी मिलता है जिसको आप रिडीम कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट फीचर है वो है कि आपको 50 डेज तक का फ्री क्रेडिट पीरियड मिलता है, यानी कि उस दौरान कोई भी आपको इंटरेस्ट या पेनल्टी नहीं लगती है अगर आप 50 दिन के अंदर वो पैसा पे कर देते हैं। तो इस तरह से मैं 50 दिन तक आपको इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड मिल जाता है। फिर है आपका जो फ्यूल सरचार्ज है 1% का, वो इसमें वेव हो सकता है। अगर आप 400 रुपये से 5,000 रुपये तक का पेट्रोल या डीजल या फ्यूल भराते हैं वन टाइम में, तो उसमें जो मैक्सिमम है वो आपको 250 रुपये तक का ही पर क्रेडिट साइकिल, यानी कि 1 महीने में आप मैक्सिमम जो है 250 तक का ही फ्यूल सरचार्ज को वेव करा सकते हैं। फिर है आपका एड ऑन कार्ड्स, इसमें आप मैक्सिमम 3 एड ऑन कार्ड ले सकते हैं प्राइमरी कार्ड होल्डर के अलावा। फिर अगला फीचर इसका वेलकम गिफ्ट, उसमें आपको 500 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं एज ए वेलकम गिफ्ट अगर आपने जो इसकी फीस है वो पे की है, तो उस केस में ही आपको ये रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं। अगर किसी कारणवश बैंक ने आपको जो फीस है वो नहीं, बैंक ने आपसे वसूली है या वेव कर दिया है, तो उस केस में आपको ये रिवॉर्ड्स पॉइंट नहीं मिलते हैं। फिर बात करते हैं इसके, अगर ये कार्ड मान लीजिए खो जाता है, अगर आप इसको 24 घंटे के अंदर इन्फॉर्म कर देते हैं जो क्रेडिट कार्ड कंपनी को, तो उस केस में जो लाइबिलिटी है आपकी वो 0 हो जाती है। फिर बात करते हैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एंड अदर कवरेज, ये जो पर्टिकुलर कार्ड है इसमें आपको 50 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलता है अगर आप ये कार्ड महीने में कम से कम 4 बार इस्तेमाल करते हैं, तो उस केस में ही आपको ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है 50 लाख रुपये तक का, जो कि एक देखा जाए तो काफ़ी अच्छा फीचर है इस क्रेडिट कार्ड का। साथ ही जो आपकी हाउस होल्ड आइटम्स हैं 5,000 या उससे अधिक वैल्यू की, उनका भी आपको फायर एंड बर्गलरी जो इंश्योरेंस है वो भी मिल जाता है फॉर 180 डेज अगर आप इस कार्ड को इस्तेमाल करेंगे हर महीने कम से कम 4 बार। मान लीजिए आपने इस महीने इस कार्ड को इस्तेमाल किया है 4 बार, तो अगले 6 महीने तक जो भी आपकी हाउस होल्ड आइटम्स हैं उस पर आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा फॉर फायर एंड बर्गलरी। तो ये दोनों काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं इस क्रेडिट कार्ड के। करते हैं एलिजिबिलिटी की, अगर आप सैलरी पर्सन हैं और आपकी सैलरी 12,000 रुपये से ज़्यादा है ग्रोस सैलरी मंथली, तो आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी जो उम्र है यानी कि एज है वो 21 से लेकर 60 ईयर्स तक होनी चाहिए, उस केस में आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सैलरी पर्सन हैं। तो अगर बात करें जो बिजनेस पर्सन है, यानी कि जो कोई बिजनेस चलाते हैं और उनकी इनकम बिजनेस से आती है, तो उस केस में जो उनकी एज है वो 21 से 65 ईयर्स होनी चाहिए, और जो उनका इनकम टैक्स रिटर्न है एनुअल वो 2 लाख से ऊपर का होना चाहिए। तो उस केस में जो बिजनेस पर्सन है, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है,
तो वो भी इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इसके फीस एंड चार्जेस, क्या क्या इसके फीस एंड चार्जेस हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनुअल फीस की, कि कितनी इसकी एनुअल फीस होती है। जो पर्टिकुलर कार्ड है उसकी जो एनुअल फीस है वो 500 रुपीज़ प्लस GST हो जाता है, यानी कि जो हो जाती है आपकी 590 रुपये। अगर आप इस कार्ड को 50,000 या उसके ऊपर की शॉपिंग के लिए या स्पेंडिंग कर लेते हैं इस कार्ड के द्वारा एक साल में, तो उस केस में जो आपकी एनुअल फीस है वो आपसे नहीं ली जाती है और उसमें आपको छूट दे दी जाती है पूरी एनुअल फीस पर। अब बात करते हैं कैश विड्रॉल की। अगर आप इस पर्टिकुलर कार्ड के द्वारा ATM से पैसा निकालते हैं तो उस केस में आपको कितनी फीस देनी होती है, तो जो इसकी फीस बनती है वो बनती है जो आपका कैश विड्रॉल अमाउंट है उसका 2.5% या कम से कम 500 रुपीज़ जो भी इसमें मैक्सिमम होगा वो आपसे लिया जाएगा। तो इस तरह से जो भी आप कैश विड्रॉल करेंगे इसके द्वारा उस पर काफ़ी हैवी फीस पड़ जाती है। तो इस कार्ड का जो इस्तेमाल है कैश विड्रॉल के तभी करें जब आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो। फिर बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। अगर आप जो पेमेंट है वो ड्यू डेट पे नहीं करते हैं तो कितना आपको ब्याज पड़ेगा। ये जो पर्टिकुलर कार्ड है उसमें अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं तो उस केस में आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो 3.49 करीब 3.5% पर मंथ के हिसाब से ब्याज लगेगा। अगर यही कार्ड आपने फिक्स्ड डिपॉजिट के अगेंस्ट में इशू कराया है तो उस केस में आपको करीब करीब 1.99% आपका जो इंटरेस्ट है वो इस पर लगता है। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको कम इंटरेस्ट लगेगा। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो भी इसका इंटरेस्ट आपको एज ए पेनल्टी लगता है तो उस पर आपका GST भी ऐड होता है जो कि है 18%। तो इस तरह से एक भारी भरकम ये अमाउंट हो जाता है। तो इसलिए जो भी आपका जो ड्यू अमाउंट है क्रेडिट कार्ड का वो टाइम से पे करें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।